नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। देश में लगातार चुनाव चल रहे हैं। फिलहाल तो झारखंड में चुनाव चल रहा है, फिर महाराष्ट्र में चुनाव है और अगले साल 2025 की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत ही खास हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और दिल्ली हरियाणा चूंकि बहुत पास में है, हरियाणा के पॉलिटिक्स का बहुत असर दिल्ली में पड़ता है और दिल्ली की पॉलिटिक्स का असर बहुत हरियाणा में पड़ता है। तो हरियाणा में भाजपा की जीत हुई है और पहली बार अकेले भाजपा ने सरकार बनाई है, बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। तो इसका इम्पैक्ट दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा और क्या पड़ रहा है, क्योंकि बस चंद ही महीने, मतलब सिर्फ 2 महीने बाकी है दिल्ली में चुनाव होने में। तो इस बात पे प्रकाश डालेंगे वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र धर्माणी जी, क्योंकि पूर्व सूचना आयुक्त भी हरियाणा के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। हमने हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम देखे। अनपेक्षित रूप से भारतीय जनता पार्टी, हालांकि आपने पहले भी कहा था कि भाजपा जीतेगी, लेकिन अकेले सरकार बनाली भाजपा ने, ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तो और अब दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, अगले 2 महीने में चुनाव हो जाएंगे, दिल्ली में भी सूचना जारी हो जाएगी। तो क्या इम्पैक्ट देखते हैं, क्या आप असर देखते हैं हरियाणा के परिणामों का दिल्ली के चुनाव पर? देखिए अंशुमान जी, आपने जो बात कही वो वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है इन चुनावों के परिणाम का, जिसको ज्यादातर विश्लेषकों ने अभी तक इग्नोर किया है। मैं आपको एक बात बताऊं कि दिल्ली में जो इस समय वर्तमान सरकार है, इनके अधिकतर विधायक जो हैं वो लगभग उन क्षेत्रों से आते हैं जो हरियाणा के साथ लगते बॉर्डरिंग एरिया से, जैसे नरेला हो गया, आपका मुंडका हो गया, मतलब नांगलोई साइड, और ये जितना भी है ना आपका टीकरी बॉर्डर, उधर जो जो साथ साथ लगते हैं, जैसे अपना ये रोनी के पास, हाँ ये फरीदाबाद के लिए उधर, ये सारा जो एरिया है, क्योंकि लगता हो गया। क्योंकि इंटरेस्टिंग ये है कि हरियाणा ने दिल्ली को चार में से तीन जो एरियाज हैं उस तरफ से घेरा हुआ है। दिल्ली की इस तरह अगर हम देखें ज्योग्राफिकल जो इस समय मैप है, उसके अंदर हरियाणा ने तीन तरफ से दिल्ली को एक तरीके से सराउंड किया हुआ है। और इंटरेस्टिंग ये है कि या तो हो ना कि एक पर्टिकुलर किसी एरिया में ऐसा हो, और इनके आपस में रिश्तेदारी बहुत है, एक दूसरे की कंस्टिट्यूएंसी में इनका आना जाना बहुत है। आप हैरान होंगे कि अगर आप शुरू हो जाएं राई से, राई वो क्षेत्र है जो आप दिल्ली का मेन हाईवे है जो चंडीगढ़ को जाता है, मैं उस हाईवे की बात कर रहा हूं। उस हाईवे के ऊपर जब आप चलते हैं तो सबसे पहले राई आता है, आपने देखा ही होगा, आप भी गए होंगे। तो राई क्षेत्र से बीजेपी की जीत हुई है और वहां से सिर्फ और सिर्फ 281 मत मिले हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को। आम आदमी की पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो ऐसे हरियाणा में तो लगभग सब जगह ही मैं कहूंगा जमानत जब्त हो गई उनकी। हाँ, जमानत जब्त हो, एक सीट में जमानत जब्त नहीं हुई, बाकी हर सीट में जमानत जब्त हुई। मैं वही कह रहा हूँ, अधिकतर मेरा ख्याल 89 या 88 सीट्स पे उनकी जमानत जब्त हुई है जी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि लोग ये कहते हैं कि किसान आंदोलन ने ये कर दिया वो कर दिया। अगर आप इसका अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि हरियाणा के वो क्षेत्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे किसान आंदोलन के कारण, वहां पे कांग्रेस पूरी तरह से साफ हुई है। जैसे मैंने अभी राई का जिक्र किया, तो ये वो बॉर्डर है जहां पर सबसे लंबा आंदोलन चला था, जहां पे मेरा ख्याल है लगभग 1 वर्ष तक किसान बैठे रहे थे। और सोनीपत का जो जिला है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मतलब गढ़ माना जाता रहा है, और एक भी सीट कांग्रेस उस जिला में नहीं जीत पाई। आप हैरानी की बात यह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
सोनीपत प्रॉपर में भी कांग्रेस तो हारी ही हारी, साथ में ये जो आपके आम आदमी पार्टी है, मैंने सारा डाटा निकाला हुआ है, सिर्फ 1200 मत मिले सोनीपत से। खरखौदा, ये खरखौदा वो है जो आपका रोनी से आगे का जो एरिया है, उधर को आप जब जाते हैं तो उस एरिया के अंदर भी बीजेपी जीती और वहां पे सिर्फ 397 वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिले हैं। बहादुरगढ़ में जो दूसरा मतलब बॉर्डर है, वहां पर आम आदमी पार्टी को सिर्फ 966 वोट मिले। आप देखिए कि किस प्रकार हजार भी पार नहीं कर पाई, हजार का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी। मैं यही कहना चाह रहा था आपसे। अब आप ये देखिए कि आप उससे आगे आ जाइए, गोहाना का जो एरिया है वहां पे भी 954 वोट मिले हैं सिर्फ। इसी तरह से अगर आप इधर आ जाए दूसरी तरफ गुड़गांव की तरफ, तो गुड़गांव में सिर्फ 2177 वोट मिले हैं गुड़गांव प्रॉपर में। सोहना में 2800 वोट मिले। अब आप फरीदाबाद की आपने बात कही थी, फरीदाबाद के साथ एरिया जो है एनआईटी जिसको बोलते हैं, वहां 1415 वोट मिले सिर्फ। बडखल में, जो बडखल बिल्कुल ही बॉर्डर पर आ जाता है जहां पर ये सूरज कुंड का एरिया है, आप ये समझ लीजिए 1681 वोट मिले हैं सिर्फ। तो ये जो कंडीशन है, ये एक आईना है, स्पष्ट बयान करती है कि आने वाले जो चुनाव हैं दिल्ली के, उसमें आम आदमी पार्टी के लिए एक चेतावनी है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। अब आप ये देखिए कि हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को केवल और केवल, मतलब अगर मैं हैरानी की बात ये होती है कि 2% मत भी नहीं मिले, 1.79% वोट मिला है 90 कंस्टिट्यूएंसीज में से। तो ये अगर कहते हैं कि भाई मैं राज्य हरियाणा का हूं और हरियाणा की जनता जो है मेरा साथ देगी, सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे आगे कहने वाला हूं, इस समय वर्तमान में भी दो ऐसे सीमाएं हैं जो हरियाणा की पंजाब के साथ लगती हैं। एक तो अंबाला से जो अमृतसर जाता है जिसको शंभू बॉर्डर बोलते हैं, एक जींद से पटियाला की तरफ जाता है जिसे हम नरवाना साइड कहते हैं। ये दोनों सीटें बीजेपी ने जीती है। ये जो आपने कहा ना कि एक बहुत अच्छा मैंडेट आया है और ये एकदम वातावरण बदल गया, उसका कारण भी जानने की कोशिश कीजिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं सत्ता में आते ही ये जो किसानों के लिए बॉर्डर बंद है ये खोल दूंगा। तो सोनीपत के कई लोगों से मेरी बात हुई, बहादुरगढ़ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन लोगों ने यह बात कही कि जी हमने तो वो भुगता है, हमारा एक वर्ष में बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया, हमें घर पालने के लिए मुश्किल हो गई। तो हम तो समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन हुई। ये है तो इस नजरिए से आप देखें, देखिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन दिल्ली में पिछले 3 बार से उसकी सरकार बन रही है। और आपका जो एनालिसिस है, वो पिछली बार भी भाजपा की सरकार थी हरियाणा में, आम आदमी पार्टी जगह नहीं बना पाई थी और उसका कोई जगह स्थान नहीं बचा था, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट दिल्ली में इस बार भी पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि जो आप बात कह रहे हैं ना, भाजपा की सरकार 2014 में भी थी, 15 में भी थी, 19 में भी थी और 24 में आ गई। मैं इसलिए नहीं ये बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी ने भी 2 बार वहां पे सत्ता में आए हैं, मतलब प्रॉक्सी से आप 3 बार उसको कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने वो भंग कर दी थी और दोबारा चुनाव हो गए थे। लेकिन पिछली 2 बार में जो स्थितियां हुई हैं वहां पे, आपने देखा होगा कि जो लोकल बॉडीज हैं वहां पर भाजपा का राज रहा, भाजपा का अंदरूनी जो क्लैश था वो एक अलग बात थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा कोई वहां पे किस प्रकार बिहेव करेगी, क्योंकि वो आप दिल्ली में, आपको ज्यादा पता होगा वहां का संगठनात्मक मजबूती उनकी कितनी है। लेकिन इतना पक्का है आम आदमी पार्टी की स्थिति
आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी नहीं है, अगर यही संकेत है। क्योंकि रमणी साहब, मैं दिल्ली के बारे में बता दूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फायदा मिलता है कि विकल्प की कमी, उनके सामने कांग्रेस या भाजपा का कोई ऐसा चेहरा ही सामने नहीं होता है जो कि उनको टक्कर दे सके। इसी वजह से मुझे लगता है कि बार बार केजरीवाल को जनता चुनती है। बिल्कुल सही बात, कभी दूर नहीं होगी। जी बिल्कुल सही बात आपने कही, यही कारण है जो मैंने आपसे कहा कि जो वर्तमान में स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार अभी ये जो हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं हरियाणा में, उसी तरह अपने जो पैतृक संगठन है आरएसएस के साथ कोऑर्डिनेशन बना के काम किया, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा दिल्ली में है वो भी दुरुस्त होगा और इस बार कड़ी चुनौती जो है आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है। वैसे एक चीज और मैं मतलब आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपने मुझे इस बात पे गौर किया ही होगा कि हरियाणा में चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी जिस चीज से जूझ रही थी वो थी अंतरकला, और ठीक वही स्थिति इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंदर भी है। जबरदस्त अंतरकला चल रही है और हो सकता है इसका फायदा किसी और पार्टी को, भाजपा को या कांग्रेस को मिल जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अंदरूनी हालत बहुत ठीक नहीं है। केजरीवाल साहब सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं और कई सारे दावेदार खड़े हो रहे हैं सीएम पद के लिए और बहुत घमासान मचा हुआ अंदर के तौर पर, तो हो सकता है कि इस बार उनकी स्थिति इस वजह से कमजोर पड़े। क्या लगता है आपको? देखिए जो आपने बात कही अभी अपेरेंटली जो नजर आ रहा है उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उनमें कोई अंतरकलह है, लेकिन अंदरूनी ये जो आपने बात कही, मीडिया जगत में ये बात है कि आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाने से बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं नाराजगी तो है, और वो कब और कहां फूटेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना पक्का है कि आम आदमी पार्टी के प्रति जो एक रुझान था जनता का, उसमें मुझे लगता है उस ग्राफ में बहुत कमी आई है और वो लगातार कमी आती जा रही है, क्योंकि क्योंकि जिस प्रकार छवि डेंट हुई है। हाँ, तो अब बात सिर्फ जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक कही कि विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस इसको एनकैश कर पाती है या नहीं कर पाती है ये समय बताएगा। देखिए आज भी अब लोग याद करने लगे हैं कि शीला दीक्षित जी का समय बहुत अच्छा था, मदनलाल खुराना जी का समय बहुत अच्छा था, वो अलग प्रकार के नेता थे। लेकिन जो दिल्ली की स्थिति है, ये जो फ्री बीज का मामला है, ये भी अब अपना हरियाणा के चुनाव में इन्होंने कोशिश की, पूरी तरह से फेल हुए, क्योंकि हिमाचल के अंदर जो कर्मचारियों की स्थिति है या पंजाब में जो स्थिति है वहाँ पे महिलाओं को जो ये 1,000 रुपये देने का वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वहाँ वादे नहीं पूरे हो रहे हैं, वहाँ पे जो आर्थिक स्थिति है वो उसकी बहुत बुरी हालत हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है, देखिए अब दिल्ली की आपकी सड़कों की हालत आप देख लीजिए, आपको पता है आप वहाँ रहते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो पंजाब के हैं जो केंद्र ने बनाने हैं वो भी अब डोल ड्रम में है। क्यों? कारण यह है कि वहां पे जो जमीन का अधिग्रहण प्रदेश सरकार ने करना होता है, किसानों को जो मुआवजा देना है वो नहीं पूरा दिया जा रहा है। पंजाब के अंदर किसानों की जो उपज है उसको लेके किसानों अब तो किसान धरने में बैठे हुए आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ, क्योंकि हरियाणा तो उपज खरीद रहा है और उनके पैसा दिया जा रहा है MSP पे, लेकिन हरियाणा पंजाब सरकार जो है पूरी तरह से इस बार फेल हो रही है और वहां पे उन्होंने टोल फ्री किए हुए हैं, धरना चल रहा है इसमें अगर आपकी जानकारी में हो तो। बिल्कुल, इसलिए जो स्थिति हम लोग दिल्ली की राजनीति की तरफ लौटते हैं थोड़ा। दिल्ली में एक बात और कही जा रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को इफेक्टिवली 10 साल हो चुके हैं, 10 साल एक बड़ा वक्त होता है, तो दिल्ली की जनता को शुरुआत में फ्रीबीज यानी मुफ्त
की जो लोक लुभावन योजनाएं थी उनका बड़ा मजा आया, उनको उसका फायदा भी उठाया। लेकिन अब मैं दिल्ली के कई इलाकों में घूमा हूँ, कई लोगों से बात की है मैंने, क्योंकि जो आम आदमी का मेन बेस है, जो चूंकि झुंपड़ी वाला तबका है, उनको समझ में आ रहा है कि ये मुफ्त की बिजली और पानी के चक्कर में हम लोग सड़क और नल जल जैसी सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। क्योंकि जैसे हम जाते हैं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, इन दिनों में पॉल्यूशन को लेकर क्या चल रहा है, यमुना का जो स्थिति है वो आप लोग हर मतलब दूसरे चौथे दिन दिखाते हैं कि कितना बुरा हाल है पॉल्यूशन का। बिल्कुल, उसको छोड़ दीजिए, ये जो अपना इसका जो पिछले दिनों जब गर्मियां थी तो पानी का जो संकट आया था, तो वो जो मुफ्त जल और मुफ्त बिजली वाले जो एरियाज थे उनकी क्या दयनीय स्थिति थी वो आपको पता है। तो ये स्थिति जो है ना जी, ये बहुत ज्यादा देर तक चलती नहीं, 10 साल हुए हैं, 10 साल नहीं, बिल्कुल दिल्ली में हमने बरसात में देखा, दिल्ली में हमने बरसात, बिल्कुल बरसात में क्या हुआ, दिल्ली की सारी नालियां सारे सीवर चोक हो गए क्योंकि सफाई नहीं हुई थी। गर्मियों में समस्या क्या थी कि मतलब इस बार गर्मी बहुत भीषण पड़ रही थी, तो शेल्टर्स ढंग से काम नहीं कर रहे थे। अब सर्दियां आने वाली है, पॉल्यूशन सिर पर है, तो सब प्रश्न ये है कि फ्रीबीज के चक्कर में सरकार इतना पैसा खर्च कर देती है दिल्ली की सरकार, उस पास बाकी ये कामों के लिए मतलब पैसा नहीं बचता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, ये जो आप बात कर रहे हैं समझने लगी है। फ्री बीज के ऊपर पैसा भी नहीं खर्च रही है ना, मैंने कहा ना पंजाब के अंदर देख लीजिए ना, फ्री बीज नहीं दिए जा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आम जनता जो है वो समझ रही है कि ये वातावरण को किस प्रकार दूषित कर सत्ता में आना चाहते हैं, और किस प्रकार इन्होंने शराब में घोटाला किया। ये चाहे जो मर्जी कहते रहे, लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि आपने देखा ना कि केजरीवाल जी ने अपने घर बनाने में कितना पैसा खर्च किया, लाखों रुपए की चीजें जिनकी कोई आवश्यकता नहीं, आम आदमी पार्टी सोच कहने वाले सर, करोड़ों की, करोड़ों रुपए। और दूसरी बात यह कि जाते हुए उसमें से क्या कुछ उठा के ले गए, ये भी रिपोर्ट आ रही है। अब उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, कितने सच्चे हैं कितने गलत हैं ये तो छानबीन से पता लगेगा, लेकिन एकदम बिना अलॉटमेंट के किस प्रकार हैंडओवर करना आगे, वो भी आपने देखा है। और फिर जोर जोर से बोल के चीजों को लोगों को मिसगाइड करना, ईमानदार मैं कट्टर ईमानदार हूँ ये नारा नहीं, वो तो चलो उनका एक नारा है। अब उस कट्टर ईमानदार को तो देखो लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने भी रिजेक्ट कर दिया, और हरियाणा में विधानसभा में भी और लोकसभा में दोनों में ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका एक कैंडिडेट वो भी अलायंस में कुरुक्षेत्र में लड़ा था, वो भी हार गया। तो मुझे ये लगता है कि हरियाणा की जनता उनको पहचानती है, क्योंकि वो हरियाणा के बेटे हैं, वो जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या शरारत करते हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। हरियाणा ने कभी उनको उत्तर शायद बेटा माना नहीं है नहीं वो दावा करते हैं, मैं वहां का हूं, मैं बता रहा हूं ना आपसे कि हरियाणा की जनता पहचानती है कि भाई किस प्रकार के दावे कितने खोखले हैं, क्या है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मोटे तौर पर जो स्थितियां हैं वो ये, मैंने जैसे भी आपको पूरा दिल्ली का तीनों तरफ का बताया, राई से लेके फरीदाबाद तक का, आप ये देखिए कि ये पूरे एरिया में जिस प्रकार के रिजल्ट आए हैं, अगर इन्हीं एरियाज में इसी प्रकार के रिजल्ट आए आम आदमी पार्टी के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या राजनीतिक स्थिति होने वाली। आपने बहुत बारीकी से एनालाइज किया चीजों को, क्योंकि हरियाणा से सटे इलाके, दिल्ली का जो क्षेत्र है वो तीन तरफ हरियाणा से घिरा हुआ है, हरियाणा से बहुत गहरा प्रभाव पड़ना बहुत स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे। और आपने एक एक क्षेत्रवार आपने बताया कि कैसे फरीदाबाद, राई, आपका जो सारे इलाके हैं वो सब, उनका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है हमारी पार्टी की पॉलिटिक्स पर। अब बस दो ही महीने बाकी हैं, जल्द ही मेरे ख्याल से आपकी इस बात पर मुहर लग जाएगी। मुझे याद है कि हरियाणा चुनाव के दौरान भी आपने साफ तौर पर कहा था कि भाजपा का जो वोटर है वो साइलेंट है, और वो जब अपना काम करके शांत हो चुका होगा तब उसका रिजल्ट सामने आएगा, और बिल्कुल वही हुआ भी, साइलेंट वोटर ने काम कर दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दिल्ली चुनाव के बारे में जो एनालिसिस आपका है वो भी बिल्कुल इसी तरह से सही साबित होगा। हम इसी तरह से आपके पास हमेशा आते रहेंगे और ज्ञानवर्धन करते रहेंगे अपना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, धन्यवाद।